जी जी रफाकत भाई, मैं खाला से मिलने चली जाऊंगी। हाँ, मम्मी से भी बात कर लूंगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने मैं माँ बनकर पाला है, हमारा भी तो फर्ज बनता है। चले ठीक, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था, किससे बात कर रही थी? रफाकत भाई का, खाला की तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए कॉल की थी। उसने खुद फोन किया था या तुमने किया था? उन्होंने कॉल की थी। सच कह रही हो ना? हाँ, एक कॉल ही तो की है। ठीक है, आइंदा कॉल करे तो मत उठा, बल्कि मुझे फोन दे देना, मैं खुद उसे समझा दूंगा कि आइंदा कोई बात करनी हो तो मुझे फोन किया करे। कैसी बातें कर रहे हैं, ये खाला साहब हैं वो। तो क्या हुआ, जब से उसकी बीवी का इंतकाल हुआ दूसरों की बीवियों को फोन करता रहता है। आप हमेशा इतना गलत क्यों सोचते हैं? इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से मैंने घर खरीदा है सारे खानदान वाले मुझसे जलने लगे। काश आप इसे घर बनने थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। सायरा का है? आप जूस पिए, मैं उसको लेकर आती हूँ। सॉरी, थोड़ी देर लगा दी तैयार होने में। चले, क्या बनकर आ गई हो तुम? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? सिंपल सही तो तैयार हुई है। क्या शीशे में देखा अपने आप को, इसे सिंपल सा तैयार होना कहते हैं? यूसुफ, हम बाजार जा रहे थे, थोड़ा सा तैयार होना तो बनता है। हाँ, ताकि सारे लोगों की नजरें तुम पर जमी रहे। कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो तुम समझना नहीं चाह रही। हद होती है यूसुफ, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ ना, आप रोज कोई ना कोई इशू खड़ा कर देते हैं। पता नहीं क्या मसला आपको मेरे से। जुबान देखिए अपनी कैसे चलने लगी है। तो आप ही मजबूर करते हैं कुछ बोलने पर, हर वक्त कोई ना कोई इशू रहता है मुझसे आपको। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें अपने आप को। नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मुझे ही बदलना चाहती हो। यू टू मच। मुझे लगता है अब मैं इस औरत के साथ रह ही नहीं सकता। आपने तो मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है, हर वक्त का शक, हर वक्त की तानेबाजी। आपकी शक की वजह से हमारे बीच में इतना फासला आ गया कि एक छत के नीचे रहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। तंग आ गई हूँ इस माहौल से, दम घुटता है मेरा। तो क्या चाहती हो तुम, छुटकारा हासिल करना चाहती हो मुझसे? बोलो, क्या लगता है तुम्हें, साइको हूं मैं? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें आज से आजाद कर दूं, मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
आप यहाँ क्यों आए? तुम्हें लेने आया हूँ। किस रिश्ते से? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ सायरा। अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, मैंने मौलवी से बात कर ली है, हम हलाला कर सकते हैं। यानी आप मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले जाने के लिए शादी किसी और मर्द से करा देंगे? ये सजा भी मेरे लिए? यूसुफ, मेरी जिंदगी कोई खेल नहीं है। और भाभी, आप इनसे कह दीजिए कि यहां से चले जाएं। मैं नामहरम लोगों से बात नहीं करती। अभी ये गुस्से में, मैं इसको समझा दूंगा। भाभी बहन, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। हाँ हाँ, तुम परेशान ना हो। ये आमिर? जी भाभी। कितना बड़ा हो गया, तुम्हारी शादी पे कितना बच्चा सा था ना। भाभी प्लीज कुछ करें, समझाएं सायरा, मैं बहुत परेशान हूँ। तुमसे ज्यादा तो हम परेशान हैं। जवान लड़की को कब तक हम लोग घर में बैठा सकते हैं? मेरा उसके भाई का घर से निकलना अजाब हो गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आमिर, आप जरा बाहर जाएं, मुझे जरूरी बात करनी है। बैठे। आपने हलाले के लिए अपनी किसी दोस्त से बात कर रखी है क्या? नहीं भाभी, कोई काबिले एतबार दोस्त मिला नहीं अभी तक। सारा जवान है, खूबसूरत है, किसी की भी नियत बदल सकती है। और बाद में अगर वो तलाक देने से इनकारी हो गया तो? मेरे पास इसका एक हल है। वो आपका भांजा आमिर है ना, आप सारा से आमिर की शादी करा दो। आपकी बात वो टालेगा नहीं और घर की बात घर में रह जाएगी और हम सब बदनामी से भी बच जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है भाभी? आप बस उसको रजामंद कर ले, मैं सायरा को मना लूंगी। मैं शादी नहीं कर सकता, मैंने उसको कभी इस नजर से नहीं देखा और ना देख सकता हूँ। इसीलिए तो तुमसे शादी करवानी है, क्योंकि तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये सब बहुत अजीब लग रहा है मामू, मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है सारा। यूसुफ अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है। उसको वैसे रिश्तों की तो कोई कमी नहीं है, बहुत रिश्ते मिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती का अजाला करना चाहता है, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारी परवाह है उसे। मैं नहीं चाहता कि वो सारी उम्र अपने भाई और भाभी के ताने सुनती रहे, उन पर बोझ बनी रहे। मैं अपने भाई पर बोझ नहीं, तुम सोच रही हो ना कि तुम अपने भाई पे बोझ हो। देखो तुम मुझे ये बताओ, हम तुम्हें कब तक अपने घर में बैठाए रखेंगे? जब से तुम्हारी उससे तलाक हुई है, यूसुफ तो बिल्कुल आधा होके रह गया है। सारी सारी रात जागता है, अब तो सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता। वो दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस वाले सबसे नाराज है। देखो हम तुम्हें कब तक घर में बैठाए रखेंगे? तुम्हें कहीं और भी तो शादी करनी है ना, तो फिर यूसुफ के साथ क्यों नहीं? तुम भी उसको अच्छी तरह जानती हो और वो जैसा भी है तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम 4 साल के थे जब तुम्हारे माँ बाप गुजर गए, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की, तुम्हें जो चाहिए तुमने जो मुंह से निकाली बात मैंने पूरी की। आज जब इन सब चीजों का सिला देने का वक्त आया तो तुम अमर, देखो तुम्हें मेरी खातिर सायरा से निकाह कर लूंगा,
और मुकर्रा मुद्दत पूरी होने पर उसे तलाक देनी होगी ताकि मैं उसे दोबारा निकाह कर सकूं। आप मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हैं मामू? मेरे लिए इम्तिहान नहीं, आजमाइश। मेरे लिए ये एक अजियत है। जब अजियतें मुकद्दर बन जाए ना तो उनको सह लेना चाहिए। तुम्हें पता है कि औरत का नाम ही कुर्बानी है। मर्द की बदनामी एक फर्द की बदनामी है लेकिन औरत की बदनामी पूरे खानदान की बदनामी। अपने ये नहीं तो अपने भाई की इज्जत के लिए हाँ कर दो। कितनी गिरे अब बाकी है। सहरा सिकंदर, आपका निकाह आमिर इम्तियाज से हो रहा है, क्या ये निकाह आपको कबूल है? तौबा तौबा, जमाने को क्या हो गया, कोई शर्म ही नहीं रही और ना रिश्तों की कोई कदर। हाँ चाय ले आओ। अल्लाह ही पनाह दे इन लोगों से। आमिर, सायरा की चाय उसके कमरे में दे। मामू, जब तक वो तुम्हारे निकाह में है और मेरी दोबारा उससे शादी नहीं हो जाती, मेरा उसके कमरे में जाना मुनासिब नहीं है। आई ट्रस्ट यू आमिर, लेकिन कुछ शरई तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है, और इस एतबार से सिर्फ तुम उसके कमरे में जा सकते। प्लीज। आपने बहुत अच्छा किया जो घर वापस आ गए। मैं खुद से वापस नहीं आई, भेजा गया। क्या कहा जी? कुछ नहीं, नाश्ता बनाओ तुम। गुड मॉर्निंग आमिर, प्लीज जल्दी से नाश्ता लगाएं यार, कॉलेज जाना है। हाय हाय आमिर भाई। अभी आपकी बीवी है और आप इनको अभी तक मुम्मा नहीं कह रहे? क्या जरूरत है उसके सामने बात करने की? मैंने कौन सा गलत कहा है बाजी? वो आपका नाम भी तो ले सकता है। अपने काम पर ध्यान दिया कर, दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बेशर्मी की भी हद होती है, अब बंदा सच भी ना बोले। आमिर का कमरा सेट कर रहा था।
मेरे रूम में जो स्टडी टेबल और लैंप है वो भी यहीं ले आऊंगा। दूसरे कमरों में बाहर से शोर बहुत आता है। उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो। आपने तो उसकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब कर दी है और अब एग्जाम से पहले नतीजा सुना रहे। क्या गलत किया मैंने? तुम्हें ही पाना चाहता था ना मैं। उसको पाना नहीं, हासिल करना कहते। तुम बताओ क्या करता हूं? कोई और चारा नहीं था मेरे पास। भटक कर भटक जाता है तो सारे रास्ते खुले होते हैं, लेकिन अगर औरत भटक जाए तो सब राहें बंद हो जाती हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल दूं? मुझे भूख नहीं है। सुबह भी कॉलेज खाली पेट गए थे। मुझे पढ़ने में खाली पेट जहन नहीं लगता है। तुम्हारे वैसे इम्तिहान होने वाले। इम्तिहान से तो मैं रोज गुजरता हूँ। तो मैं भी तो आजमाइश से गुजर रही हूँ। आपको नहीं पता लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं मेरे कॉलेज में, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आई कांट टेक दिस एनीमोर। तो मैं भी तो सब कुछ फेस कर रही हूँ। हम दोनों एक ही कैफियत के शिकार है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने रिश्ता तोड़ने के लिए सब किया और मैंने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए। खैर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। कैसे चल रही है तुम्हारी? अच्छी जा रही है। पास तो हो जाओगे? वो तो मैं पहले ही हो गया। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाया, अच्छा लग रहा है। किसी और नाते से ना सही, एक घर के फर्द होने के नाते से तो हम बात कर सकते हैं। घर, ये घर है सिर्फ एक मकान है जिसमें तीन जिंदगियां मजबूरन एक दूसरे को झेल रही हैं। हर वक्त जली कटी बातें क्यों करती हो सायरा? तो मेरी जिंदगी भी तो कट कट कर गुजर रही है। मैं कॉलेज जा रहा हूं। कुछ पैसे हैं, जब टाइम मिले सकीना के साथ चली जाओ, कुछ ले लेना अपने लिए। इनकी कोई जरूरत नहीं मुझे। रख लो, पैसों की जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। जरूरत है तो पूरी की जा सकती है। यही तो बात है, इस घर में जरूरत की हर चीज है लेकिन पसंद की एक भी नहीं। सर बॉय कैसे?
अभी तक बिजी, दोनों का फोन बिजी आ रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। हेलो, किससे बात कर रहे थे? आधे घंटे से तुम्हारा नंबर बिजी मिल रहा है। मामू दानिश का फोन था, एक असाइनमेंट समझा रहा था। झूठ बोल रहा मुझसे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सायरा से बात कर रहे थे ना। सायरा? मामू आप दानिश को फोन करके पूछ लीजिए, मुझ पे इस तरह इल्जाम मत लगाइए। अच्छा ठीक है, जल्दी घर पहुंचो। ये अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो सायरा किससे बात कर रही थी? क्या हुआ? तुम तो ऐसे चौंके जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। तो ऐसे चोरों की तरह है, कोई भी कर जाता। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे आजकल? मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, एक ही जिंदगी दो बार जी रही हूँ। समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफियत, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ सारा। मेरा मोबाइल आपके हाथ में क्यों? तुम्हारा? सॉरी, वो गलती से उठा लिया होगा। शर्म का आपको आती नहीं है झूठ बोलते हुए? अभी तक मुझ पर शक कर रहे हैं? ये देखना चाह रहे थे ना मैं किससे बात कर रही हूँ। ये देखिए, सुबह से सिर्फ भाभी की कॉल आई है मुझे, वो भी मुझे समझा रही थी कि आप बदल गए। लेकिन नहीं, आप नहीं बदले। फिर ऐसे ही शक ही रहना था तो मुझे हलाला करने पे क्यों मजबूर किया आपने? तुम गलत समझ रही हो सर। क्योंकि आप गलत हैं यूसुफ, और मैं पागल थी कि मैंने आप पर दोबारा यकीन कर लिया। सायरा, कितनी गिरे अब बा This is nice. Nice. Oh, this is good. जी मामा। बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे साथ चेस की एक बाजी हो जाए, लेकिन तुम तो खुद खेल खेल रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। पढ़ाई भी तो खेल होती, खासतौर पर फाइन आर्ट के स्टूडेंट के लिए। असाइनमेंट करके सोना। जाने भी तो पूछा। आप ही शक करना छोड़ दीजिए। शक कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हारा शौहर है, वक्ती तौर पर ही सही। जी, वक्ती तौर पर, जिसको आपने मेरी जिंदगी पर मुसल्लत किया। कुछ दिनों बाद मुझे तलाक दे देगा, फिर वही पुरानी जिंदगी मेरी। नहीं, अब सब कुछ नया होगा। बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। मुझे खुशी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने भाई की इज्जत
और अपने वकार को यहाँ पर बचाने के लिए आई। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे खराब कहे। अगर एक तलाक याफ्ता औरत अपने भाई के घर में बैठी हुई तो माशरे की नजरें और उंगलियां सिर्फ उसी पर उठती है। सकीना जी, सायरा घर पे? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई? वो बाहर गई। बाहर किसके साथ? आमिर भाई के साथ गई है। आमिर तो इस वक्त कॉलेज में नहीं होता। आज वो जल्दी घर आ गया। ओह, कुछ बता के गई है कि कहाँ जा रही है? जी बता रही थी, वो मार्केट जाएंगे। खाना लगा दूं? क्या हुआ? ठीक है। था ये सब? आप हमारा पीछा कर रहे थे? नहीं, वो मैं तो इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा था। तो फिर हमसे मिल लेते ना, नजरें क्यों चुरा रहे थे? मैं दरअसल वो बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? बात का पतंगड़ बन चुका है। देखो सायरा, क्या देखूं मैं? बताइए क्या देखूं? आपके शक की वजह से वैसी हमारी तलाक हो चुकी है। आपने फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दी। दम घुटता है मेरा यहाँ पर? तुम्हारा दम कब नहीं घुटता था? शादी के बाद कौन सा बीवी बनकर रह गई तुम इस घर में? तो आप कौन सा अच्छा शौहर बने रहे? देखो, तुम्हारे और अपने हालात बेहतर करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। हालात को बेहतर करने के लिए ख्यालात बदलना बहुत जरूरी होता है। आपकी ज़हनियत पहले भी गंदी थी, आज भी गंदी है और हमेशा ही रहेगी यूसुफ। सायरा, सायरा,
आप मेरे पास मत आया करें, मामू को बुरा लगता है। तो उनकी पसंद नापसंद से हम जीना छोड़ दें? गलती उनकी है और हम दोनों सजा को खतरे। क्या दूसरी शादी आपके लिए सजा है? जबरदस्ती के फैसले वैसे भी सजा ही होते। और फासिल के बारे में आपको क्या ख्याल है? एक गलत फैसला हजारों फैसलों को जन्म देता है। और यही गलत फैसला उन फासिल को मिटा भी सकता है। सोने से पहले लाइट बंद करते हैं। हाँ सर, पानी पीने गया था किचन। पानी का जग और ग्लास अपने साथ रखा करो। पड़ा पड़ा गर्म हो जाता है। बहस कर रहे हो मुझसे? और जुबान चलने लगी है तुम्हारी? मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा मामू। सब जानता हूँ कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। क्या जानते हैं? वही तुम्हारे और सायरा के बीच में जो चल रहा है। बस मामू से आगे और कुछ मत बोलिएगा। बर्दाश्त की एक हद होगी। बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें मैं इस घर में इसलिए लेकर आया था कि तुम मेरे अपने हो। भरोसा किया था मैंने तुम पर। हलाले के तकाजे पूरे करने के लिए तुम्हें उससे मिलवाया था और अब तुम्हारी ही नियत में खोट आ गया। बस मामू बस। मैं मानता हूं आपने मुझ गरीब पे तरस खाया और अपने पास यहां लाके रखा, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि आप मेरी जात के कीचड़ उछाले। और अगर आपने मुझ पर कोई एहसान किया भी था तो उसकी कीमत मैं अदा कर चुका हूं। आपके हर पैसे के सामने अपना सर झुका, अपनी ख्वाहिशात का गला घोटा है मैं। I can't take this anymore. बस यूसुफ, सायरा, सायरा दरवाजा खोलो। सायरा दरवाजा खोलो। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे लगा आप शर्मिंदा हैं, अपनी गलती का एहसास हुआ होगा आपको, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आप बिल्कुल वैसे की वैसे हैं, शक की। शक भी तो वही होता है जहाँ प्यार होता है। नहीं, मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे पर डिपेंड करता है, जो कि हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। मुझे छोड़कर मत जाओ सर, प्लीज। मैं अपने आप को बदल लूंगा प्लीज। नहीं यूसुफ, मैं एक ही मौत बार बार नहीं मर सकती हूँ। सरब सारा मेरी बात सुनो। सारा रुक जाओ। आमिर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरी तरह मजबूर हो तुम। खैर, अब मैंने फैसला कर लिया, आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी, आजाद हूं मैं। ठीक है, आजाद तो मैं करूंगा तुम्हें। मैं भी देखता हूं कि दो दफा तलाकशुदा औरत से कौन शादी करता है। आमिर, इसे अभी इसी वक्त तलाक दो। मैंने कहा इसे तलाक दो। मुझे कैसे तलाक देगा? हमारा निकाह तो वही निकाह। क्या सायरा सिकंदर, आपका निकाह आमिर इम्तियाज से हो रहा है, क्या यह निकाह आपको कबूल है? ये निकाह नहीं कर सकते। जी हाँ, ये सब एक ड्रामा था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप कितने बदले। लेकिन अफसोस, अभी तक वही गंदी जहनियत है आपकी। और आमिर, थैंक यू।
कि तुमने मेरा साथ दिया। सायरा, सायरा रुको। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं।